हाय फ्रेंड्स, आई एम शीतल एंड यू वाचिंग दी स्टनिंग क्रिएशन चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है पूनम की तरफ से, और उनका पूछना था कि जो कर्विशियस प्लस साइज़ की लड़कियां रहती हैं उन्हें किस तरीके से अपनी वेडिंग ड्रेस को डिसाइड करना चाहिए। बट पूनम के अलावा जो लड़कियां स्लिम रहती हैं उनकी भी यही प्रॉब्लम रहती है कि हम किस तरीके से अपने ड्रेस को डिसाइड करें ताकि हम बहुत ज़्यादा स्लिम ना लगें। तो उन सारे टॉपिक में बात करूँगी। बट वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी दैट इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू बी हेल्दी एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू लव योर सेल्फ। अगर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं तो आप बहुत ही अच्छी ब्राइड बनेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। बात करेंगे सबसे पहले प्लस कर्विशियस गर्ल्स की। आपने सुना होगा कि फैब्रिक का ध्यान रखना चाहिए, कलर्स का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट आप किसी भी अटायर, वेडिंग अटायर को किस तरीके से ड्रैप करती हैं, किसी भी साड़ी को किस तरीके से ड्रैप करती हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट करता है। सो आप किसी भी अटायर को ड्रैप करवाने के समय अपने ब्यूटिशियन को ज़रूर ये बात बोलें कि आपके पूरे बॉडी में थोड़ा सा वो टाइट फिटिंग्स के साथ पहनाएं, और साथ ही साथ ऐसा भी ना हो कि वो आपको अनकंफर्टेबल होने लगे, तो आपको इसका ध्यान। सो लाइक फैब्रिक में आप वेलवेट फैब्रिक भी ट्राई कर सकते हैं। वेलवेट थोड़ा सा थिक फैब्रिक होता है, बट इट डजेंट मीन दैट वो आपके ऊपर बहुत अच्छा नहीं लगेगा, वो आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। जो मरून कलर के वेलवेट या रेड कलर के वेलवेट्स के आजकल लहंगे हैं उसको आप बहुत अच्छे से ड्रैप करिए, वो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। उसमें आपको स्पेशली अगर विंटर में आपकी शादी हो रही है तो वो आपको वार्म भी रखेगा, और साथ ही साथ आप जिस पोर्शन को अपने बॉडी का नहीं दिखाना चाहते उन सबको वो कवर करेगा, और डार्क कलर होने की वजह से वो आपको स्लिम लुक भी दिखाएगा। सेकेंड स्टेप, जो दुपट्टा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप दुपट्टा गुजराती स्टाइल में लीजिए जो कि फ्रंट स्टाइल में लिया जाता है, और उससे आप अपनी हाफ बॉडी को कवर कर सकती हैं। चुनरी प्रिंट, जॉर्जेट प्रिंट के जो दुपट्टा होते हैं वो बॉडी में काफ़ी अच्छे से फिटिंग हो जाता है, और आपकी बॉडी को भी जो अनवांटेड एरिया है जो आप नहीं दिखाना चाहते उसे बहुत अच्छे से हाइड। नेक्स्ट, लहंगा लेते समय आप ध्यान रखिए कि आप वर्टिकल डिज़ाइन जो होते हैं वैसे लहंगा लीजिए। इससे ये होगा कि आप उसमें स्लिम भी दिखेंगी प्लस आप उसमें टॉल भी दिखेंगी। नेक्स्ट, यू कैन प्ले विथ डबल दुपट्टा। डबल दुपट्टा बहुत ही लहंगा में आजकल यूज़ होता है। आप उससे अपने अनवांटेड एरिया को कवर कर सकती हैं, प्लस साथ ही साथ आपकी खूबसूरती को वो और निखारेगा। सो आप गुजराती पैटर्न में अगर दुपट्टा लेते हैं तो एक दुपट्टा आप अपने सिर पे रख सकते हैं जिससे कि आपकी जो स्लीव्स हैं, आपका जो हैंड है, एरिया है, वो पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ फैब्रिक। आपने देखा होगा कि आजकल ट्रेंड में जो पीच कलर, लाइट पिंक कलर, इस टाइप के कलर, गोल्डन कलर, ये सारे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सो इस टाइप के कलर आप ज़रूर ले सकते हैं, मगर अगर आप इस टाइप के कलर चॉइस करते हैं तो आपको फैब्रिक का ध्यान रखना होगा। आप सिल्क के फैब्रिक उस समय मत ट्राई करिए, या कोई भी फैब्रिक ऐसे मत ट्राई करिए जिसमें आप बल्की लगे। आप एकदम लाइट वेट के जो फैब्रिक होते हैं लाइक शिफॉन हो गया या जो सॉफ्ट नेट हो गया, उस टाइप के फैब्रिक को आप ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नथिंग टू शो एक्स्ट्रा। इट मीन्स आप जो स्लीव आपका ब्लाउज़ का होगा उसे आप 3/4 रखिए। लॉन्ग स्लीव या 3/4 स्लीव्स अच्छा लगेगा जिससे कि आपका पूरा हाथ छुप जाएगा, बट मैं आपसे पर्सनली बोलूँगी कि 3/4 स्लीव्स रखिए। इससे ये होगा कि आपके हाथों की मेहंदी भी बहुत अच्छे से दिखेगी, और साथ ही साथ आपने जो चूड़ा डिज़ाइन किया होगा या जो भी चूड़ियाँ लिया होगी आपके लहंगे के साथ वो बहुत अच्छे से निखर के। नेक्स्ट इज स्लीव्स के अलावा अगर आपको टमी अपना कवर करना है तो आप उसमें जो फ्लेयर ब्लाउज आता है आप उसे ऑप्ट कर सकती हैं, या आप उसमें जो लॉन्ग ब्लाउज आप उसमें बनवा सकती हैं। और इसके अलावा एक ऑप्शन और है कि जो कोटी पैटर्न के ब्लाउज आते हैं जिससे कि आपका लुक बहुत सोफिस्टिकेटेड, स्मार्ट लगता है, सुंदर लगता है, वो भी बहुत अच्छा है, बट आप उसमें पूरा बंद गला मत लीजिएगा, आप उसमें थोड़ा सा डीप नेक रखवाइएगा, वो बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट इज इफ़ यू आर कंफर्टेबल गो फॉर डीप नेक। कर्विशियस लड़कियों के ऊपर डीप नेक बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही उभर के आता है वो, तो आप डीप नेक अगर कंफर्टेबल हैं तो आप वो स्टिच कर। नेक्स्ट, आप जैकेट पैटर्न के लहंगा ले सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लाउज में आप जैकेट पैटर्न का ब्लाउज बनवाइए, उसी तरीके से जैकेट पैटर्न के लहंगा आते हैं। ठंड में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लुक देता है, बट गर्मी में आई डोंट नो इसमें आप कितना कंफर्टेबल होंगी। तो आप अगर हो सके तो इस टाइप के भी लहंगा कुछ ट्राई करिएगा, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाती हैं तो आप इसमें से कुछ ट्राई करिए, अगर आपकी पर्सनैलिटी पर वो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट।
नेक्स्ट आप हील्स को ट्राई करिए, हील्स से आपकी बॉडी लिफ्ट होती है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट देता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं हील्स में तो कर्वीशियस लड़कियों को डेफिनेटली हील्स पे जाना चाहिए। हील्स में भी बहुत सारे पैटर्न हैं, आप जो पेंसिल हील होता है आप उसमें मत जाइए, बिकॉज लहंगा पहनना है, काफ़ी देर तक आपको खड़े रहना होता है। तो जो ब्लॉक हील्स होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, लाइट वेटेड, थोड़े से ब्रांडेड आप उसमें जाइएगा। ब्रांडेड जो शूज़ बेलीज होती हैं, शूज़ होती हैं या सैंडल्स होते हैं, वो बहुत लाइट वेट होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तो आप हील्स के ऊपर अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज फोकस ऑन योर हाइलाइटर एरियाज, इट मींस आपकी पर्सनालिटी में आपको जो अच्छा लगता है कि ये आपकी पर्सनालिटी में सबसे अच्छा पार्ट है, तो आप उसे हाईलाइट करिए। आपके बाल, आपके आईज, आपके लिप्स, आपके हाथ, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसे हाईलाइट करिए, और इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही खूबसूरत ब्राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि डोंट गो फॉर फ्रेश कट और स्ट्रेट कट लहंगा, बिकॉज उसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कर्विशियस दिखेगी, तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। आप उसके बजाय आप जो ऐसे फ्लेयर कट वाले लहंगा होते हैं आप उसी में ऑप्ट करिए, आप उसी को ही चॉइस करिए, बिकॉज उसमें आपकी पूरी अनवांटेड एरिया हाइड हो जाएंगी। तो आप लहंगा लेते समय ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया आपको कलर फैब्रिक का ध्यान रखना है। अगर आप कलर और फैब्रिक कुछ इस तरीके से लेती हैं जो कि थोड़ा सा भी हो, तो आपको उसे ड्रैपिंग के समय ध्यान रखना है, आपको अपने ज्वेलरीज का ध्यान रखना है, आपको मेकअप का भी ध्यान रखना है, इसके अलावा आपका जो भी हाइलाइट्स एरिया है आपको उसे दिखाना है। तो एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको अपनी बॉडी का शेप जो है वो पता करना होगा। स्पेशली कर्वीशियस गर्ल्स की तीन टाइप की पर्सनालिटी होती है, किसी की टॉप हैवी होता है, किसी का एप्पल शेप या पियर शेप होता है, या किसी का बॉटम हैवी होता है। सो अगर आप वो पता कर लेती हैं तो आपको अपनी ब्राइडल लहंगा का जो शॉपिंग करना है वो बहुत ही आसानी तरीके से आप कर पाएंगी। लड़कियों का जो टॉप हैवी होता है वो न्यूड कलर के ब्लाउज को प्रेफरेंस दे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है उनके ऊपर और काफ़ी अच्छा आपकी पर्सनालिटी में वो लुक क्रिएट करता है। डबल कलर चॉइस करना चाहती हैं तो ट्राई करिए कि सेम शेड का हो, फॉर एग्जांपल रेड और पिंक का अगर आप कॉम्बिनेशन रखती हैं या ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन रखती हैं जो सेम शेड के होते हैं, तो उसमें आप टॉल भी लगेंगी और स्लिम भी लगेंगी। नेक्स्ट नेवर चूज़ पैच वर्क एम्ब्रॉयडरी और जो बड़े प्रिंट्स होते हैं उसे बिल्कुल भी मत चूज़ करिए, बिकॉज वो आपकी पर्सनालिटी को और ब्रॉड दिखाएगा। सो यू जस्ट हैव टू अवॉइड ऑल दैट थिंग्स एंड ट्राई करिए अगर आप सिंगल प्लेन वर्क्स में भी अगर आप जाती हैं जिसमें सिंपल बॉर्डर प्लेन बॉर्डर रहता हो, वैसे में आप स्लिम टॉल और काफ़ी अच्छा लुक आपकी पर्सनालिटी को वो देगा। एंड एट लास्ट जो स्लीमर लड़कियाँ हैं उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप सिल्क पैटर्न में जाइए, वेलवेट पैटर्न के आप लहंगा ले सकती हैं, कलर्स के साथ आप बहुत ज़्यादा खेल सकती हैं, जो भी कलर आपको लाइट कलर पसंद हो आप उसे चॉइस करिए, बट अवॉइड करिए डार्क कलर। और आप जो फ्लफ़ी वाले लहंगा होते हैं आप उसे ट्राई करिए, और इसके अलावा आप का फेस पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपका फेस छोटा है, कई बार मैंने देखा फेस छोटा है और ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पहन लेते हैं, बड़ी बड़ी ज्वेलरीज पहन लेते हैं, तो उससे जो आपकी फेस की खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाती है, तो आपको वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हील्स आप पहनिए और जितना भी कलर्स आप अपने ऊपर जैसे डबल कलर है वो भी ट्राई कर सकती हैं। सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, और अगर आप इसमें और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसमें और डिटेल्स के साथ एक वीडियो लेकर आऊँगी स्पेशली फॉर स्लिम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हो, और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ आप मेरे सेकंड चैनल को भी विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है दी स्टनिंग मॉम शीतल तिवारी। सो प्लीज़ विजिट दैट चैनल, और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बी कॉन्फिडेंट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बाय बाय।